हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। कल हमने पॉइंटर के बारे में बात की थी और हमने बताया था कि जब हम किसी पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पर एक इनडायरेक्शनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन का जो होता है, और कोई वेरिएबल लिख के हम पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर सेकेंड लाइन में अगर हम उस किसी भी वेरिएबल का इस पॉइंटर में एड्रेस रखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख के हम एड्रेस रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जो ये पी पॉइंटर क्रिएट हुआ है, जो एक्स का एड्रेस होता है वो इस पी वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, और ऐसा कर देने से जो पी वेरिएबल होता है, जो पी पॉइंटर है, अब वो एक्स को पॉइंट करने लगता है। फिर हमने सीखा था कि जब भी हम इस पॉइंटर के आगे स्ट्रिक स्विम बार लगा देते हैं तो वो एक्स वेरिएबल ही बन जाता है, राइट। ये सारी चीजें हमने कल लास्ट वीडियो में देखा था। और एक इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि जिस टाइप का पॉइंटर होता है उसी टाइप की वैल्यू को वो स्टोर, उसी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। अगर वेरिएबल का टाइप अलग है और पॉइंटर का टाइप अलग है तो हम उस वेरिएबल का एड्रेस उस पॉइंटर में नहीं रख सकते हैं, राइट। फिर देखिए थोड़ा हम बात करते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पॉइंटर, ओके। तो देखिए ये क्या होता है, जैसे हम कोई अगर प्रोग्राम बनाएं और उसमें ये मान लीजिए हमारा मेन फंक्शन है, राइट। हमने क्या किया कि इसमें हमने एक वेरिएबल इंट टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है और एक पॉइंटर वेरिएबल पी डिक्लेयर किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पी में एक्स का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ, पी में एक्स का एड्रेस चला गया होगा, राइट। तो यहां पर देखिए कि पी का भी कुछ ना कुछ एड्रेस होता है जिस तरह से एक्स का एड्रेस है। कोई भी वेरिएबल हो, चाहे वो पॉइंटर वेरिएबल हो या नॉर्मल वेरिएबल हो, जब उसको मेमोरी मिलती है तो उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। तो अगर अब आप बताइए कि अगर हम इस पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस किसी में रखना चाहें, अभी हमने क्या किया, इस पॉइंटर वेरिएबल में किसी नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस रखा है और उसको हमने देख लिया कैसे रखते हैं। तो अगर इस पॉइंटर वेरिएबल का भी एड्रेस है और इसको भी हम किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए देखिए हमने यहां पर ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है पॉइंटर वेरिएबल, तो इसका हम बोलते हैं कि लेबल वन है। लेबल की हम यहां पर बात करेंगे, हम बोलेंगे पी का लेबल वन है क्योंकि उसके पहले हमने एक सिंबल, एक स्ट्रिक सिंबल लगाया हुआ है, राइट। तो रूल ये है कि अगर जो पॉइंटर वेरिएबल होते हैं उसका जितना लेबल होता है वो अपने से एक कम वेरिएबल के लेबल का एड्रेस रख सकते हैं। यहां पर x का लेबल क्या है, x का लेबल 0 है, p का लेबल 1 है, इसलिए हम p में x का एड्रेस रख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम p का एड्रेस किसी में रखना चाहते हैं तो हम एक स्ट्रिक सिंबल लगा के जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसमें हम p का एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का लेवल सेम है, राइट। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि P का एड्रेस अगर हम Q में रख लें तो इसलिए हमें Q का लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा, इसलिए हमें यहां पर दो स्ट्रिक सिंबल लगाने पड़ेंगे, राइट। तब इस केस में इस Q का लेवल 2 हो जाएगा और P का लेवल क्या है 1, तो Q बड़े आराम से P का एड्रेस होल्ड कर सकता है, राइट। इस तरह करने से क्या हुआ, जैसे हमने ये डिक्लेयर किया तो एक ब्लॉक क्यू नाम से
क्रिएट हो गया होगा, राइट। जैसे देखिए, मान लीजिए ये क्यू ब्लॉक है, ये क्यू ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा इस तरह से कुछ मेमोरी में, ये क्यू ब्लॉक बन जाएगा, राइट। अब फिर हम चाहते हैं कि अब हम क्यू में पी का एड्रेस रखें, क्या करें, क्यू में पी का एड्रेस रखें, तो हम क्या करेंगे, क्यू इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ पी, राइट। इस तरह से हम वैल्यू रखेंगे, जो पी का एड्रेस है इस तरह से हम पी का एड्रेस क्यू में रख सकते हैं, ओके। इसी तरह से अगर हम हमारे पास हम क्यू का एड्रेस अब स्टोर करना चाहें किसी तीसरे वेरिएबल में, तो हमें जो थर्ड पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा उसका लेबल कितना होना चाहिए, उसका लेबल 3 होना चाहिए, राइट। तभी तो वो क्यू का क्यू जो पॉइंटर है उसका एड्रेस स्टोर कर पाएगा, कुछ इस तरह से। देखिए हमें पी क्यू आर ऐसे ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, और अगर हम ऐसा डिक्लेयर कर रहे हैं तो फिर हम आर में क्यू का एड्रेस असाइन कर सकते हैं, राइट। तो इसे हम बोलते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पॉइंटर। तो हमने यहां पर रूल देखा कि जो पॉइंटर होते हैं उनका जो लेबल होता है वो अपने से एक कम वाले वेरिएबल, उनमें से जो पॉइंटर होते हैं उनका जितना लेबल होता है तो वो उसी का एड्रेस रख पाएंगे जिसका लेबल उससे एक कम है, राइट। तो यहां पर देखिए कि हमने P में X का एड्रेस रखा है, फिर Q में P का एड्रेस रखा है, इसी तरह से R में Q का एड्रेस रखा है, राइट। अगर हम X में कोई वैल्यू रखना चाहते हैं, जो ये वेरिएबल हमने बनाया है X नाम का, ये भी एक वेरिएबल होगा, उसका नाम है X। यहां पर देखिए ये वेरिएबल X है जिसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, मान लीजिए 1000 है। तो इसी तरह से P भी वेरिएबल होगा, ये मान लीजिए P वेरिएबल है, P। तो हमने यहां पर क्या किया है, P में X का एड्रेस रखा है, तो X का एड्रेस क्या है, 1000, इसलिए वो P में चला जाएगा, राइट। फिर P का भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, मान लीजिए कि वो एड्रेस 2000 है, राइट। तो हमने P का एड्रेस किस में रखा है, Q में रखा है, राइट। तो Q में क्या चला जाएगा, P का एड्रेस, P का एड्रेस कितना है 2000, इसलिए Q में 2000 चला जाएगा। तो ऐसा करने से जो P पॉइंटर है वो X को पॉइंट कर रहा है, राइट, लेकिन जो Q पॉइंटर है वो P को पॉइंट कर रहा है, राइट। तो देखिए ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, Q P से, देन P X से। इसी तरह से हमने क्या किया है, R में हमने Q का एड्रेस रखा है। तो मान लीजिए अगर ये R है, ये R है, तो R में Q का एड्रेस, Q का एड्रेस भी कुछ ना कुछ होगा, मान लीजिए उसका एड्रेस 3000 है, तो फिर R में क्या चला जाएगा, फिर R में 3000 चला जाएगा। तो R अब किसको पॉइंट करने लगेगा, Q को पॉइंट करने लगेगा, ओके। तो इस तरह से हम एक्सटेंडेड वर्जन पॉइंटर के यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वैल्यू कैसे रखते हैं। अगर हमें इस x में वैल्यू रखनी हो तो हम तो यहां डायरेक्ट x इक्वल टू समथिंग 5 ऐसे असाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो x वेरिएबल हमने मेमोरी में क्रिएट किया है उसमें हम वैल्यू x के द्वारा नहीं, x का यूज ना करें, बल्कि जो पॉइंटर्स हैं उसका यूज करें, तो हम वैल्यू x में कैसे रखेंगे। तो अगर हम p पॉइंटर का यूज करके x में वैल्यू रखना चाहते हैं तो हम ये कैसे करेंगे, देखिए अगर हम p के पहले एक स्ट्रिक सिंबल लगा देंगे तो वो क्या बन जाता है, वो x बन जाता है। स्ट्रिक p लिखना x लिखने के बराबर है, तो ये x हो गया, और अब हम इसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमने p पॉइंटर का यूज करके x में वैल्यू रखी है,
और अगर हमें q पॉइंटर का यूज करके वैल्यू x में रखनी है तो q क्या है, डबल लेवल का पॉइंटर है, तो उसे जीरो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए दो स्ट्रिक सम वाल लगाने पड़ेंगे, राइट। तो इस तरह से x में वैल्यू 7 चली जाएगी। अब समझ में बात आ रही है, जितने लेवल का पॉइंटर होता है, अगर पहली बात आप ये देखिए कि आप कहां पर वैल्यू रखना चाहते हैं, हम वैल्यू रखना चाहते हैं x में, x का लेवल क्या है, जीरो है, इसलिए अगर हम q पॉइंटर का हेल्प करके x में वैल्यू रखना चाहते हैं तो पहले q का लेवल 2 है, उसको हमें जीरो में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए उसके पहले हमने ये 2 स्ट्रिक सम वाल लगा दिया, राइट। तो ये डीरिफरेंसिंग हो गई, डीरिफरेंसिंग मतलब लेवल 2 था अब जीरो हो गया है, तो अब उसमें हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो एक्स में चली जाएगी। तो पहले पी के द्वारा जब हमने वैल्यू रखी तो एक्स में क्या गया था, एक्स में 6 गया था, फिर जब हमने क्यू का यूज करके वैल्यू रखा तो वो एक्स में 7 हो गया है, राइट, एक्स में 7 चला जाएगा। और अगर इसी तरह से हम आर पॉइंटर का यूज करके एक्स में वैल्यू रखना चाहें तो हमें 3 स्ट्रिक सम वाल लगाने पड़ेंगे, राइट, ऐसे। तो फिर x में क्या चला जाएगा, अब x में 7 नहीं है, x में 7 नहीं है, x में क्या होगा, 8 हो जाएगा, राइट, ऐसे। तो इस तरह से हम पॉइंटर का एक्सटेंडेड फॉर्म यूज करते हैं और उनको यूज करके हम किसी भी वेरिएबल में वैल्यू किस तरह से रखते हैं वो अभी आपने सीखा, और आई होप कि ये बहुत ही इजी है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आप एक बार लिख के इसको देखिए अभी। अब हम थोड़ी और बातें करते हैं, देखिए देखिए हमने क्या किया है कि यहां पर 2 वेरिएबल और 2 पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ है, और हम p में एड्रेस ऑफ a रख रहे हैं और q में एड्रेस ऑफ b को रख रहा हूं। तो फिर देखिए रूल क्या है कि जो दो ये पॉइंटर हैं p एंड q, इनमें हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन रूल परफॉर्म नहीं कर सकते, डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि हम p प्लस q लिखें या p इंटू q लिखें या p डिवाइडेड बाई q लिखें, तो ये तीनों चीजें गलत हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, राइट, ये तीनों चीजें गलत हैं। आप पॉइंटर्स में, पॉइंटर में पॉइंटर का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या सब या डिवीजन आप नहीं कर सकते, लेकिन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पॉसिबल नहीं है लेकिन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, जिसको अभी हम देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। इसी तरह से किसी भी पॉइंटर में हम किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, या किसी भी पॉइंटर में हम किसी भी इंटीजर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, राइट। जब इंटीजर की बात आती है तो ना तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना ही डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। पॉइंटर में पॉइंटर का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है लेकिन किसी भी इंटीजर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, राइट। तो देखिए अगर हम चाहते हैं कि हम p में कुछ ऐड करें 4, तो ये बिल्कुल सही है, ये वर्क करेगा, या हम चाहें p में हम कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये भी सही है, ये दोनों सही है, या हम p में q को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये भी सही है, ये तीनों चीज सही है। हम किसी भी इंटीजर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और पॉइंटर में पॉइंटर का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ओके। फिर देखिए यहां पर हमने यहां पर कुछ पॉइंटर और वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इस लाइन को आप देखिए। अब हमने क्या किया है, पी में एक एड्रेस रखा है, तो पहली वाली कुछ सिचुएशन होगी, हमें पता है जो इंटीजर टाइप के वेरिएबल होते हैं वो 2 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि हम पॉइंटर में, किसी भी पॉइंटर में किसी भी इंटीजर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो अब वो कैसे करते हैं देखिए। जैसे मान लीजिए यहां पर p वेरिएबल है, p पॉइंटर है, और p में हम +1
तो p में जैसे ही हमने p प्लस वन लिखा है तो क्या हुआ, हमने p में एड वन एड कर दिया। तो p में है क्या इस समय, आप देखिए 1000। जब किसी भी पॉइंटर में हम वेरिएबल का एड्रेस असाइन करते हैं तो वेरिएबल जितने बाइट का होता है हर एक बाइट का एड्रेस 1-1 करके इंक्रीमेंट होता है। जो पहला होता है उसे हम बेस एड्रेस बोलते हैं, और बेस एड्रेस में 1-1 इंक्रीमेंट करेंगे तो अगली बाइट का एड्रेस आ जाएगा, राइट। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया है कि p में 1 ऐड किया है, तो p में जब हम 1 ऐड किया है तो p की वैल्यू अभी कितनी है 1000। उसमें हमने क्या किया प्लस 1, उसमें हमने प्लस 1 किया है। तो ऐसा करने से इसका आंसर 1001 नहीं होगा। जैसे हम सिंपल मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करते हैं वैसा कैलकुलेशन यहां पर परफॉर्म नहीं होगा, राइट। तो ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये 1001 के बराबर नहीं होगा। अब क्यों बराबर नहीं होगा ये समझिए, जब हम किसी भी पॉइंटर में 1 ऐड करते हैं तो वो अगली बाइट का एड्रेस नहीं बनता है। जो यहां पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए, वो इंटीजर टाइप का है, इसलिए वो 2 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करेगा, और पहली बाइट का अगर एड्रेस 1000 है तो दूसरी बाइट का एड्रेस 1001 होगा। तो जब हम इस वेरिएबल का जो बेस एड्रेस है जो पी में है उसमें हम यहां पर 1 ऐड कर रहे हैं तो 1001 के बराबर नहीं होगा, बल्कि वो अगले ब्लॉक का एड्रेस बन जाता है। अगला ब्लॉक मेमोरी है तो मेमोरी में ये 2 बाइट तो कंज्यूम हो जाएंगी। इसी तरह से ये एक मेमोरी है, आप समझिए मेमोरी बहुत बड़ी है, राइट। मेमोरी ही है, मेमोरी में क्या होता है कई सारी बाइट होती हैं, उन सब में कई सारे इसी बाइट बने होते हैं। तो ये 2 बाइट हमने कंज्यूम कराई है यहां पर, ये तो ए वेरिएबल के लिए कंज्यूम कराई है, लेकिन जब हम किसी भी वेरिएबल का जो बेस एड्रेस होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो वो अगली बाइट का एड्रेस नहीं बनता है बल्कि अगले ब्लॉक का एड्रेस बन जाता है। तो वो 1001 नहीं होगा बल्कि 1002 के बराबर है, ये 1001 नहीं होगा, ये 1002 के बराबर होगा, राइट। तो ये जानने के लिए कि 1001 होगा या 1002 होगा तो आप यहां पर डेटा टाइप को देखिए, जिस पॉइंटर में आपने एड्रेस रखा है वेरिएबल का उसका टाइप क्या है। देखिए यहां पहली लाइन को देखिए, हमने p में a का एड्रेस रखा है तो टाइप क्या है, a का इंट है। तो इंट वेरिएबल जो होते हैं कितने बाइट की मेमोरी लेते हैं, 2 बाइट की। तो जब आप उसमें ऐड करेंगे तो आप उसमें ऐसे लिटरल ऐड ना करें, उसको ऐसे ऐड करें 1000 प्लस जो टाइप है इंट टाइप है। तो इंट टाइप के जो वेरिएबल होते हैं कितने बाइट की मेमोरी लेते हैं, 2 बाइट की। तो आपको लिखना है साइज ऑफ इंट मतलब 2 फिर इनटू, और जितना आप ऐड कर रहे हैं 1 ऐड कर रहे हैं तो 1 लिखना पड़ेगा। इसको आपको सॉल्व करना है, यस इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो क्या होगा 1002 हो जाएगा। तो याद रखिए जब हम किसी भी पॉइंटर में 1 ऐड करते हैं तो अगली बाइट का एड्रेस नहीं होता है बल्कि अगले ब्लॉक का एड्रेस बन जाता है। इसी तरह से आप देखिए यहां पर हमने बी में क्यू में बी का एड्रेस रखा है तो यहां पर बी का टाइप क्या है, फ्लोट है। तो अगर हम क्यू में 1 ऐड करें, क्यू का एड्रेस क्या है 2000 है यहां पर प्लस, तो हम लिटरल एडिशन नहीं करेंगे, तो हम देखेंगे पहले जो बी का टाइप है फ्लोट, फ्लोट टाइप है तो कितनी बाइट की मेमोरी लेता है, साइज ऑफ फ्लोट 4 बाइट की, तो 4 इंटू कितना ऐड करना चाहते हैं 1, तो 1 ऐसे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2004, और 2004 जो है वो अगली बाइट का एड्रेस होगा, राइट ऐसे। तो इस तरह से हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह सी में आप यहां पर देखिए, आर में हमने सी का एड्रेस रखा है तो आर का एड्रेस क्या है 3000, और सी में अगर 3000 में हम जब 1 ऐड करेंगे तो वो 3001 होगा, क्या क्योंकि जो कैरेक्टर वेरिएबल होते हैं वो 1 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करते हैं। तो 3000 प्लस
साइज ऑफ कैरेक्टर 1 इनटू कितना ऐड करना चाहते हैं 1 इक्वल टू 1001 राइट। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह से बताइए अगर हम p में प्लस 2 ऐड करें तो इसका रिजल्ट क्या होगा। p में हम प्लस 2 ऐड कर रहे हैं मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, p मतलब 1000 प्लस हम क्या करना चाह रहे हैं 2 ऐड करना है। तो पहले हम a का टाइप देखेंगे, p में किसका एड्रेस रखा है, a का एड्रेस रखा है, टाइप क्या है इंट है, तो इंटीजर वेरिएबल का साइज क्या होता है 2 इनटू कितना ऐड करना चाहते हैं 2 ऐड करना चाहते हैं तो 2 लिखेंगे राइट। तो फिर ये हो जाएगा 4 जो कि ये किस ब्लॉक का एड्रेस होगा, सेकंड थर्ड ब्लॉक का एड्रेस होगा राइट। तो इस तरह से आप देखिए, और अगर आप फार्मूला बनाना चाहते हैं कि जो अगला एड्रेस होगा वो कैसे होगा तो उसमें लिखेंगे एड्रेस प्लस उसमें क्या करेंगे साइज ऑफ, यहां क्या लिखेंगे डेटा टाइप, साइज ऑफ डेटा टाइप इनटू नंबर जो नंबर आप ऐड करना चाहते हैं राइट। तो ये फार्मूला है, तो जो ये नया एड्रेस आएगा वो इससे कैलकुलेट करके आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं ओके। सिमिलरली अगर हम किसी एड्रेस में सबट्रैक्ट करते हैं, सबट्रैक्ट करेंगे जैसे मान लीजिए हम p में 1 सबट्रैक्ट करना चाहते हैं तो p में क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, मैं लिखना चाहता हूं p-1, तो इसका रिजल्ट 999 नहीं होगा बल्कि 998 होगा। क्यों, क्योंकि p में जिस वेरिएबल का एड्रेस रखा है उसका टाइप इंट है तो 2 सबट्रैक्ट होगा, 1 सबट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहां पर भी अगर आप निकालना चाहते हैं फार्मूला तो एड्रेस माइनस क्या करेंगे आप साइज ऑफ डेटा टाइप इनटू नंबर, तो इस तरह से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम किसी पॉइंटर में 1 ऐड करते हैं तो वो अगली बाइट का एड्रेस बन, अगले ब्लॉक का एड्रेस बनता है, अगली बाइट का एड्रेस नहीं। इसी तरह से जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो वो पिछली बाइट का नहीं बल्कि पिछली ब्लॉक का एड्रेस बनता है ओके। तो ये एडिशन और सबट्रैक्शन आपको लॉजिक समझ में आया होगा। इसी तरह से आप देखिए हम पॉइंटर में पॉइंटर का सबट्रैक्शन पॉसिबल है, क्या पास पहले पॉइंटर में पॉइंटर का सबट्रैक्शन। यहां पर देखिए हमने 2 पॉइंटर है p एंड q राइट। तो पहली बात तो अगर हम पॉइंटर का सबट्रैक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो पॉइंटर सेम टाइप के होने चाहिए ओके, पॉइंटर सेम टाइप के होने चाहिए। तो अभी मैं इसको हटा दे रहा हूं थोड़ा सा, ओके। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक और पॉइंटर डिक्लेयर कर रहा हूं, लेट्स से मान लीजिए स्ट्रिंग r t, हमने यहां पर इंटीजर टाइप के 2 पॉइंटर डिक्लेयर किए हुए हैं राइट, और एक वैल्यू और डिक्लेयर कर ले रहा हूं मान लीजिए s नाम से ओके। तो देखिए अगर मैं यहां पर करूं p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a एंड t इक्वल टू एड्रेस ऑफ s ऐसा, तो हमने क्या किया है p में a का एड्रेस रखा है और t में s का एड्रेस रखा है। तो जब हम अगर सबट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे पॉइंटर में तो आप ध्यान में रखिए कि पॉइंटर सेम टाइप के होने चाहिए तभी सब, तो अगर पॉइंटर सेम टाइप के हैं तभी सबट्रैक्शन पॉसिबल है
अदरवाइज सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जब हम यहां पर लिखेंगे p माइनस टी तो क्या होगा, यहां पर भी रिलेटलर सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। मान लीजिए अगर p का 1000, p का एड्रेस, p में जो एड्रेस है अगर वो 2000 है और जो t में एड्रेस है वो 1000 है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 1000 नहीं आएगा बल्कि 500 आएगा, क्योंकि जो p और t का टाइप है वो इंटीजर टाइप है, तो इनका जो लिटरल सब्ट्रैक्शन होगा वो बाइट में होगा। अगर हम लिखें तो ये 1000 बाइट है, 1000 बाइट अगर है तो ये कितने इंटीजर टाइप के ब्लॉक हो गए, 500। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें, क्योंकि इंटीजर जो वेरिएबल होते हैं उनका साइज 2 बाइट का होता है, तो आ जाएगा 500। मतलब कि अगर हम p और q का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और अगर p का एड्रेस, p में जो एड्रेस है वो 2000 है और q में, t में जो एड्रेस है 1000 है, तो जो उसका आंसर आएगा वो 1000 नहीं आएगा बल्कि 500 आएगा, मतलब 5500 ब्लॉक, राइट। जो पॉइंटर्स का लिटरल सब्ट्रैक्शन होता है वो होता है नंबर ऑफ बाइट, 5 यहां पर 1000 बाइट आएगा, तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ब्लॉक मिल जाएंगे। तो इस तरह से यहां पर पॉइंटर का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है। और अगर आप इसको फार्मूले में कन्वर्ट करना चाहें तो लिखेंगे एड्रेस 1 माइनस एड्रेस 2 इक्वल टू आंसर डिवाइडेड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप। ओके, ये देखिए, तो जो उनका लिटरल सब्ट्रैक्शन होगा, तो जो आंसर आएगा, लिटरल सब्ट्रैक्शन की बात करें जैसे मैथमेटिकल सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, फिर उसको आप क्या करेंगे, साइज ऑफ डेटा टाइप से जो भी डेटा टाइप है उसके, उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ब्लॉक आपको मिल जाएगा। ये किसके बराबर है, ये इक्वल टू है नंबर ऑफ ब्लॉक के, नंबर ऑफ ब्लॉक के बराबर है वो। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा और एक्सटेंडेड जो पॉइंटर का वर्जन होते हैं वो भी समझ में आया होगा। और आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से और आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू।